वाली साड़ी मत दिया करो माँ। अरे बेटे, वो तेरी भाभी ने ना गलती से उससे पैकेट बदल गया। हाँ, मैं कल ही तेरे भाई के हाथ से तेरा वाला पैकेट भेज दूंगी। अरे रहने दो माँ, आई एम श्योर भाभी ने अभी वही साड़ी पहनी होगी जो तुमने मेरे लिए रखी थी। तुम तो समझ नहीं पाई उनको। है छोड़, मैं ज्यादा बोलती अच्छी नहीं लगती। रहने दो, आपको उन्हीं के साथ रहना है, फिर बात करेंगे। सास को रानी पर गुस्सा आ जाता है। वो उसके कमरे में जाती है जहाँ वो शादी का एल्बम देख रही होती है। रानी, मार्केट जाकर एक ऐसी ही साड़ी लेकर आ, कल प्रतीक जाकर सिद्धि के घर दे आएगा। अरे क्यों माँ जी, कितनी साड़ी देनी है दीदी को, या कोई सेल लगी है क्या? अरे चुप कर, मेरे बेटी के हिस्से की साड़ी खुद पहन ली, अब ज्यादा ज्ञान बांट रही है। एक दिन सिद्धि का फोन आता है। माँ, मेरी सास ने आज सबको खाने पर बुलाया है। सारे लोग सिद्धि के ससुराल पहुँचते हैं। खाना खाकर वो लोग निकल रहे होते हैं कि सिद्धि की सास सभी को गिफ्ट देती है। अरे बहन जी, बेटी के घर का खाना खा लिया यही बहुत है, जो आप ऊपर से गिफ्ट भी दे रही हैं। अरे बहन जी, आप भी कहाँ इन बातों पर विश्वास कर रही हैं। सास सभी को गिफ्ट देती है, लेकिन रानी को जो साड़ी देती है वो अजीब सी हरे रंग की, लाल रंग की बड़ी छाप वाली होती है। अरे चीची, ये कौन पहनेगा? सासू माँ को तो जरी वाली इतनी सुंदर, और मेरे लिए ये नौकरानी वाली। अरे भाभी, दरअसल मैं जब भी घर आती थी आप वापसी में ऐसी ही साड़ी देती थी ना, तो माँ ने सोचा कि आपको आपकी पसंद की ही साड़ी क्यों ना दी जाए। बेचारी रानी, बोलती भी तो क्या। सिद्धि और सास रानी का चेहरा देखकर हंसने लगती है। तो रानी समझ जाती है कि अपने ही बिछाए जाल में वो फंस चुकी है।